भूसा ये वाला सबसे पहले हमारे ऊपर पड़ा था, इसकी मिक्सिंग कर दी एक। मिक्सिंग होने के बाद हमारे पहले पास पहली कटाई हो गई। कटाई पहली होने के बाद हमारी ढेरी बनेगी, और ढेरी बनने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जो माल हो वो अपनी जगह, जैसे ये हमारा माल उठाया तो ये कम से कम डेढ़ दो फुट तीन फुट हो तो बढ़िया, हमारे पास जगह कम है जिसके कारण तीन फुट की दूरी फेंक नहीं पा रहा हूँ। कम से कम इसे तीन फुट की दूरी पे फेंकना है, और फेंकना इस तरह है कि बिखर जाए। अभी तो मान के चलो दूर फेंक नहीं रहा हूँ, यहाँ से मान के चलो हमारे तीन फुट इतना हो गया वहाँ, हम यहाँ से उठाएंगे माल तो यूँ फेंकेंगे, सारा माल बिखर जाए। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो भी अमोनिया गैस आगे चल के उठने वाली है वो अमोनिया गैस निकल जाएगी, और बीच में जितना टाइट भूसा होगा वो जब खुल के बिखरेगा तो उसे ताज़ी हवा मिल जाएगी, तो सड़ने की प्रक्रिया जिसे एरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं वो फिर से बढ़ जाएगा। और इसीलिए हमें पलटाई 4-6 बार या 8 बार या 9 बार पलटाई करने की पड़ती है, जो कि विधिवत अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए 8 पलटाई लगती है। तो इसलिए हमेशा कम से कम जो दूरी हो वो 3 फुट की दूरी हो कि हम जब फेंके तो बिखरे और उसके बीच की अमोनिया निकल जाए। अब ढेरी बनाने का क्या है, जब हम यहाँ माल उठाएं अभी हम दूर नहीं फेंक रहे हैं, इसमें मत मान लेना, दूर फेंकने का कारण है कि यहाँ पे जगह कम है, लेकिन दूर ही फेंकना है 3 फुट की दूरी पे कि ढेरी बिखर जाए। पंजी ये थोड़ी अच्छी नहीं है, 4 है 5 की होनी चाहिए, 5 सरियों की, इसलिए माल ज़्यादा नहीं आ रहा है। ध्यान ये रखना है पंजी अच्छी हो, माल ज़्यादा उठे। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नीचे का माल, जिस पंजी से उठने में दिक्कत है, जहाँ माल जैसे हम काट रहे हैं यहाँ का माल काट रहे हैं, यहाँ का माल जब तक साफ ना हो तब तक कि आगे ऊपर का माल नहीं उठाना। इससे क्या होगा कि आपका माल पता चले यहाँ एक का माल पड़ा है, इतने से हमने काट लिया, कि नीचे का नीचे दबा रह जाएगा, चाहे इधर से उधर पलट लोगे उधर से उधर पलट लोगे, नीचे वाली दबा की दबाई ही रह जाए, तो नीचे का माल ऊपर हो जाए ये ध्यान रखना है। ठीक, अभी हम लोग पूरी साफ करेंगे कि जमीन से पूरा माल उठ जाए। अब करना क्या है, हम इधर से लगे हैं, एक आदमी काटेगा उधर से, इतनी दूरी चौड़ी होनी चाहिए 5 फुट, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ी कितनी बनेगी ढेरी, 5 फुट की ढेरी बनेगी, और कोशिश ऊंचाई कितनी बनेगी ढेरी वो भी 5 फुट की बनेगी। माल इतना सारा माल है खींच के कम जगह में आ जाएगा, हाँ लंबाई भी हो जाए, लंबी खूब कर दो, कितनी लंबी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी ढेरी की ऊंचाई हो वो 5 फुट हो, और जो क्या कहते हैं चौड़ाई हो वो भी 5 फुट। तो जैसे कि यहाँ ये हमारा मान के चलते यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फुट हो गया, तो एक आदमी उधर से माल पलटे और एक आदमी इधर से माल पलटे, थक जाए बदल ले दूसरे उठा के पलटना चालू कर ले, जब तक कि माल नीचे का साफ ना हो जाए तब तक कि हमें आगे नहीं माल उठाना है। ठीक है, ये पहली पलटाई का हो गया, मान के चलो ये हमारी 5 फुट की ढेरी है, दोबारा जब पलटाई होगी, अभी तो हम दोबारा आ जाएंगे, तब सबसे पहले ऊपर का माल उठा के हमें नीचे गिरा देना, जैसे ऊपर का माल हमने उठाया और नीचे पलटाई, जब इधर से उधर पलटाई चलेगी 6 दिन बाद, ऊपर का माल नीचे कर देना, इधर का माल भी नीचे कर देना, और बीच का माल ऊपर कर नीचे कर देना। अब बीच वाला जितना है वो अच्छा सड़ा होगा, इसे उठा के इसके ऊपर कर देना, तो नीचे का ऊपर का माल नीचे हो गया और नीचे का माल ऊपर हो गया, तो इससे सड़न बढ़िया होगी। ये तो चलो बाद की बात है, हम दोबारा आएंगे उसे विधवत ढेरी में करके दिखाएंगे, अभी क्या है ध्यान ये रखना है 5 फुट ऊंची 5 फुट चौड़ी ढेरी बने, और माल जब तक कि नीचे का साफ ना हो जाए पूरा तब तक कि आगे माल नहीं काटना है, इन बातों